जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों, आज बहुत समय बाद आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले कुछ समय से थोड़ा व्यस्त चल रहे थे, इस वजह से आपके लिए हम अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाए, परंतु फिर भी आप हमारे चैनल की वीडियोस इतना पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल की वीडियोस ऐसे ही देखते रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो, जो भी हम नई वीडियो डालते हैं, वो आपके पास एकदम से पहुंच जाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि कुंडली से हमें क्या पता चल जाता है, क्या क्या पता हम लगा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के आधार पर। मित्रों, जन्म कुंडली से हमारे जीवन के एक एक चीज के बारे में हमें पता लग सकता है। हमारे जीवन से लेकर हमारे मृत्यु पर्यंत जो जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित होने वाली है, उन सब के बारे में हमें हमारी जन्म कुंडली से पता लग जाता है। परंतु व्यक्ति ऐसा हो, विद्वान हो, जिसे आप कुंडली दिखाते हो, वह अच्छा विद्वान हो, उन्हें अच्छा ज्ञान हो, तभी वह आपके लिए सटीक भविष्यवाणी, आपकी कुंडली को देख करके आपका भविष्य कथन बिल्कुल सटीक करके आपको बता सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कुंडली से हमें क्या-क्या पता लग सकता है। हमारी कुंडली से हमारे बारे में, व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है कि व्यक्ति कैसा देखने में कैसा होगा, कितना लंबा होगा, कैसा रंग होगा, व्यक्ति गुस्से वाला तो नहीं होगा, व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होगा, व्यक्ति अचानक कुछ काम करता होगा, व्यक्ति का मन अचानक परिवर्तित तो नहीं होता होगा। कईयों का मन अचानक बदल जाता है, तुरंत 2 मिनट बाद मन बदलता रहता है। व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का तो नहीं होगा। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों को हासिल करेगा, कितने बड़े बड़े कार्य करेगा, कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा, या व्यक्ति कितने नीच कर्म करेगा, व्यक्ति कितने बुरे कर्म करेगा, कितने अच्छे कर्म करेगा, कितना धन कमाएगा, कैसा व्यवसाय करेगा, कौन सा कारोबार करेगा, बचपन से लेकर उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, उसका जीवन कैसा रहेगा, उसकी धर्म पत्नी कैसी होगी, उसका विवाह कब होगा, विवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान कितनी होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, कितने होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, यह सब हमें कुंडली से पता चल जाता है। कुंडली से हमें व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में पता चल जाता है कि जॉब करेगा या फिर कोई सर्विस करेगा या अपना बिजनेस करेगा या इलेक्शन में खड़ा होगा, राजनीति में खड़ा होगा, बड़े पद पर पहुंचेगा, इलेक्शन जीत करके ग्राम पंचायत के एमएलए एमपी के इलेक्शन लड़ेगा, या इलेक्शन लड़ेगा उसके बावजूद उसकी हार भी हो जाएगी, यह भी हमें कुंडली से पता चल जाता है। कुंडली से हमारे शरीर के बारे में पता चल जाता है कि हमारी आँख कैसी रहेगी, कहीं आँख आगे जा कर के हमारी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, आँख में कोई भेंगापन, हमारा कान कैसा रहेगा, हमारे बाल, हमें कोई चमड़ी का रोग तो नहीं लग जाएगा, हमें किसी उम्र में जाके दिल की तकलीफ, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, हमारे हाथ कैसा रहेगा, कहीं आगे चलकर एक्सीडेंट में हाथ कटने का योग तो नहीं बन रहा हमारी कुंडली में, यह सब हमारी कुंडली से पता चल जाता है। कि हमें कहीं बीपी की तकलीफ तो नहीं होगी, हमें किसी व्यक्ति को कैंसर की तकलीफ तो नहीं होगी, उसका हाथ, पेट, पेट, आंत, यह सब पूरे शरीर के बारे में हमें जन्म कुंडली से पता चल सकता है। व्यक्ति कैसा रहेगा, उसके माँ बाप कैसे होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, व्यक्ति सम उसके माँ बाप सम्मानित होंगे, बड़े भाई कैसे होंगे, छोटे भाई कैसे होंगे, व्यक्ति के दादा कैसे होंगे, दादी कैसी होगी, संतान कैसी होगी, नाना कैसे होंगे, नानी कैसी होगी, यहाँ तक कि मामा मौसी के बारे में पता चल जाता है, मौसा के बारे में पता चल जाता है। व्यक्ति की धर्म पत्नी के भाई होंगे, बहन होगी, कितने भाई होंगे, कहीं व्यक्ति की धर्म पत्नी के भाई हमारा खर्चा तो नहीं कराएंगे, जैसा कि आजकल हम सुनने में आता है। व्यक्ति के कितने भाई होंगे, कितने मित्र होंगे, कैसे मित्र होंगे, यह सब हमें कुंडली से पता चल सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में कैसा कार्य करेगा, अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, खर्चा कितना करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाएगा, यह सब हमें कुंडली से पता चल सकता है। और यह भी पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं केस या मुकदमा तो नहीं होगा, व्यक्ति किसी केस में जेल तो नहीं जाएगा, यह सब। और यदि यह सब हमें कुंडली से पता चल जाता है, और इसीलिए हम कुंडली देखते हैं, लोग हमें कुंडलियां दिखाते हैं अपनी, ताकि उनकी कुंडली में अगर कुछ गलत हो, कि किसी की व्यक्ति की कुंडली में संतान देरी से हो रही हो, गर्भपात का योग हो,
किसी की कुंडली में हाथ का, आंख खराब होने का, दिल की तकलीफ होने का योग ऐसा बन रहा हो, तो उसके लिए हम उपाय बताते हैं, उनके लिए हम उपाय बताते हैं। उनको कोई रत्न पहनाना हो, नग पहनाना हो तो वह बताते हैं, कोई पूजा पाठ करनी हो तो वह बताते हैं, ताकि वह व्यक्ति उन बुरी चीज़ों से बच सके। तो कुल मिलाकर के हमारी कुंडली से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है, लगभग हमारे जीवन के बारे में, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में, हमारे सभी जितनी परिस्थितियां होंगी, कहां हम जाएंगे, कैसे, कितनी हवाई यात्रा करेंगे, कितनी पैदल, कितनी गाड़ियों से यात्राएं करेंगे, यह सब हमें कुंडली से पता चल जाता है। व्यक्ति का पूरा जीवन कुंडली से पता हम लगा सकते हैं। तो यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो और आप कुंडली दिखाना चाहते हैं अपनी हमें, आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना भविष्य कथन हमसे पता करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपकी कुंडली देख करके आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी जो भी समस्या होगी उसका आपको समाधान प्राप्त कराएंगे। तो मित्रों, यदि आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके फ़ोन पर तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।